तो फ्रेंड्स, आज के डेट पे बैंक को जाना बंद कर दिए लोगों ने, क्योंकि अभी फ़ोन के अंदर जो कुछ हो रहा है बैंक के, शायद इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हम लोग करते हैं तो फ़ोन के अंदर ही अवेलेबल है, सारे के सारे यूनिक ट्रांजेक्शन भी आप करते हो, UPI यूनिक पेमेंट सिस्टम्स भी अवेलेबल हो, जो कि आपको यूनिक इंस्टेंट आपको किसी बंदे को फ़ोन पे भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक अकाउंट के अंदर, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये कंफर्म करने जा रहा हूँ, जो कि आपको किसी भी अकाउंट पे आप पैसे भेज रहे हो उनका नाम पता होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा उनका नाम आप पता लगाओगे ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फ़ोनपे के अंदर एक अकाउंट सेक्शन जाके वहाँ पे एक बंदे का अकाउंट ऐड कर रहा हूँ, जो कि आपके फ्रेंड आपके सामने मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ उनका अकाउंट नंबर। और उनका अकाउंट नंबर सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेटीएम पे ये फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन ये पे फ़ोन पे भी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जाने के टाइम पे मैं यहाँ पे लास्ट पे आपको पेटीएम के अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि आपको जो दूसरे बंदे को किसी अनजाने व्यक्ति को आप पैसा भेजते हो तो उस टाइम पे आपको उनका नाम पता होना ज़रूरी है। तो वो कैसे आपको पता लगा कि इस वीडियो के अंदर मैं बताना जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैंने अभी पेटीएम पे आ चुका हूँ, जो कि फ़ोनपे पे ये फीचर्स अवेलेबल अभी तक नहीं है, लास्ट टाइम में आपको मिल जाएगा। देख सकते हो, यहाँ पे पेटीएम पे, यहाँ पे अकाउंट सेक्शन जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे ऑल अदर अकाउंट पर यहाँ पे सर्च कर देना। यहाँ पे मैंने एक यूनियन बैंक का एक कस्टमर का एक अकाउंट को मैंने पैसे भेजने जा रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैंने उनका अकाउंट नंबर टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने फेस मतलब जो IFSC कोड होता है ना, यहाँ पे IFSC कोड को मैंने अभी मतलब टाइप कर रहा हूँ। जो IFSC कोड टाइप कर दोगे उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करूँगा, और उस प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे इजीली 100% आपको उनका नाम शो होने लग जाएगा, जो कि ये बेस्ट फ्यूचर है ये पेटीएम की तरफ से। तो पेटीएम ने इतना बड़ा फ्यूचर्स अवेलेबल कर दिया कस्टमरों के लिए। देखिए, यहाँ पे देख सकते हो, प्रफुल्ल साहू यहाँ पे उनका नाम आ चुका है, मैंने उनको पूछा, उनका नाम भी सेम है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करके आपको कुछ भी अमाउंट किसी का भी भेजते हो तो इजीली आपको यहाँ पे उनका नाम पता लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आज का वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइल। हैव ए नेक्स्ट डे, बाय बाय, थैंक यू।